नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। पहला फैसला दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारियों के टकराव पर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों पर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उन विभागों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन साफ कर दिया है कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो सरकार बहाल हो सकती थी उनकी, अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की बड़ी सियासी मुलाकात की। उद्धव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है 2024 को लेकर, 2024 विपक्षी एकजुटता को लेकर उद्धव नीतीश कुमार की बड़ी मुलाकात हुई है। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देश और संविधान को बचाना है, उद्धव ठाकरे ने इस दरमियान ये बड़ी बात कही है। पूरे देश की पार्टियों को एकजुट करेंगे, नीतीश कुमार ने ये एक लक्ष्य निर्धारित किया है, एक बड़ी बात कही है। महाराष्ट्र पहुंचकर 2024 विपक्षी एकजुटता को लेकर उद्धव नीतीश की मीटिंग हुई है बस कुछ ही क्षणों पहले, और इस दौरान उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए जब पहुंचे तो एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात को दोहराई नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर यह बात कही है कि पूरे देश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, सबको एकजुट करना है, एक मंच पर लाना है। से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।